कर्म के सिद्धांत मनुष्य मात्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए होते हैं। हमें कर्म का फल मिलता ही है, यही कर्म का नियम है अथवा क्रिया व प्रतिक्रिया का सिद्धांत। संसार की कोई भी घटना क्यों घटित होती है और कैसे, ये कैसे निर्धारित होता है कि कौन सी आत्मा किस गर्भ में और विश्व के किस कोने में जन्म लेगी, नर या नारी किस रूप में, ऐसे अनेक प्रश्न हमें विवश करते हैं सही उत्तर की खोज के लिए। हम यहां क्यों हैं? मैंने यहां जन्म लिया और उसने वहां क्यों? मैं इस प्रकार का हूं और वो उस प्रकार का क्यों है? ये चीजें इस प्रकार क्यों है? क्या कोई ऐसा लिख देता है कि इसे ऐसा ही होना चाहिए? हमें कर्म का फल मिलता ही है, चाहे इस जन्म में या किसी भी जन्म में, और उत्तर सिर्फ इसी अविनाशी सत्य में निहित है, जो मैं करता हूं उसी अनुसार पाता हूं। ये बिना किसी पक्षपात के होता है, यही कर्म का नियम है अथवा क्रिया व प्रतिक्रिया का सिद्धांत। विश्व का कोई भी नियम बदल सकता है पर ये नहीं। विश्व का कोई भी व्यक्ति इस नियम को तोड़ नहीं सकता, न ही कोई व्यक्ति क्षमा प्राप्त कर सकता है। कर्म सिद्धांत अभेद है जो ये आदेश देता है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को समझ कर चले। हमें सही और गलत का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है जिससे हमें ही फायदा है। और हमें ये समझ कर कार्य करना है कि हमारे किस कर्म का हम पर, समाज पर और पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा, उसका परिणाम अभी होगा अथवा भविष्य में। फल अच्छा होगा या खराब, प्रत्येक कर्म का फल मिलेगा ही। इसलिए कर्म करने से पूर्व जरा सोचें। अनेकों कर्म के सिद्धांत या तो गलत समझे गए या भुला दिए गए। कुछ लोग समझते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम विवश हैं, सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। जो बीत गया वो समाप्त हो गया, उस पर विचार करने की या याद करने की जरूरत नहीं है। जो कर्म सिद्धांत को नहीं समझते हैं वे वर्तमान की घटनाओं को देखते हुए निष्कर्ष निकालते हैं। वे नहीं जानते कि भविष्य में क्या होने वाला है, उन्हें दृश्य के बदलने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। In a shocking incident today, British Airways flight BA582 from Mumbai to Manchester. प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण विद्यमान होता है, यही कर्म का नियम है। मेरा भविष्य इस समय किए कर्मों पर निर्भर है। इसलिए गलत तथा श्रेष्ठ कर्मों की कलम से हम अपनी भविष्य जीवन की कहानी लिखते हैं। आप जो बोते हैं वही पाते हैं।